तो बात दीपोत्सव की और अयोध्या में भव्य दीपोत्सव, दीपोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। स्तर पर पहचान हो, भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं को वैश्विक पहचान दिलाना हो या भारत के महापुरुषों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो, ये पूरी मजबूती के साथ आज देखने को मिला है और हम सबका दायित्व बनता है। विगत वर्षों तक जब भी मैं आता था मैं एक ही बात आप सबसे कहता था कि विश्वास करो मोदी जी पर, जो कहा है मोदी जी उसको करके दिखा देंगे, आप चिंता मत करिए, केवल धैर्य रखिए। और आपने धैर्य रखा, उस धैर्य का परिणाम हमारे सामने है कि हमारी कई कई पीढ़ियां चली गई, देखती रह गई, तरसती रह गई। मैं देखता हूं, मैं जब भी अपने पूज्य गुरुदेव से, सरदेव अशोक सिंघल जी से, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज से, जगतगुरु सुग्रीव किलाधीश जी से, अन्य पूज्य संतों से, जगतगुरु शंकराचार्य जी से, जिससे भी बात करता था, पूछता था, सब एक ही बात कहते थे। अंतिम समय में इन पूज्य संतों की एक ही तमन्ना थी, एक बार अपनी आंखों से प्रभु के मंदिर को, के निर्माण कार्य को होते हुए हम देख लेते, यह जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है। और हम सबने न केवल देखा है बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं। और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ देश और दुनिया को एक नया संदेश उस रामराज्य का दे रहे हैं, जिस रामराज्य में भेद किसी के साथ नहीं, सम्मान सबका है, सुरक्षा सबको है। और उस सम्मान और सुरक्षा के भाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही आज दीपोत्सव 2020 के इस कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की अब परिकल्पना है, अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी नगरी के रूप में प्रस्तुत करना है। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या वासियों ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, याद रखना, राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है, राम के कार्य में तो न्याय ही न्याय है। इसलिए अन्याय इस जगह नहीं, लेकिन अयोध्या को अयोध्या की पहचान तो मिलनी ही चाहिए। और उस पहचान को दिलाने के लिए ही आज प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहती है। यह कार्यक्रम हमारा बहुत विशाल होता, विराट होता, कोविड 19 का खतरा नहीं होता, संक्रमण का भय नहीं होता, हम लोग इसको बहुत विराट स्वरूप देते, लेकिन कार्यक्रम में कहीं विघ्न बाधा न पैदा हो और कार्यक्रम हमारा अखंड बना रहे, इसलिए संक्षेप में हम लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में किया। आज अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है और बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या को एक मेडिकल कॉलेज, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज यहां प्राप्त होगा।